असगर, असगर दरवाजे पे कोई है? असगर, सरप्राइज मेरी जान। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? असगर की फ्रेंड हूँ मैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। यहाँ से जाओ तुम। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। असगर कहाँ है? वो इस वक्त नहा रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? शक्ल में दिखाना तुम। रुको तो सही, मेरे कपड़े अंदर है। जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे कपड़े तो लेने दो। रुको, आराम से समझा रही हूं। मैं अपने कपड़े लेकर चली जाऊंगी। हटो, रुको, जाओ, जाओ, जाओ यहाँ। कपड़े ले ले तू मुझे। दफा हो जाओ यहाँ। रुको, असगर, असगर, ओह, ओह, बहुत ही कोई बेशरम लड़की है। ओह, बेढंगी। असगर, असगर, दरवाजा खोलो। ये लो अपने कपड़े और यहाँ से चलो। हाथ छोड़ो, निकलो यहाँ से। चलो निकलो। असगर, असगर, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? असगर तुम कहाँ हो? असगर, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मेरी तरफ मत देखना। अरे रुको तो। निकलो यहाँ से। देखो डरो नहीं, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ। डरो नहीं। ए, जासू तुम हो। मत देखो मेरी तरफ। फिर से तुम मेरे सामने आके क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा हुलिया क्या है? प्रैंक शो चल रहा है तुम्हारा क्या? प्रैंक शो में तो मैं फंस गई हूँ पूरी तरह से। ये है देखो, कौन? दिमाग खराब है इस लड़की का। मेरी एक ही मुलाकात है इस लड़की से, यकीन करो। और इसे लगता है कि ये मेरे बहुत करीब हो गई है। आज अचानक मेरे घर आ गई। मेरी एक दोस्त घर पे रुकी हुई है, उससे आके उलझ गई। मेरे दोस्त को इसने घर से निकाल दिया और अब मेरा पीछा कर रही है। हाँ तो ऐसे कहो ना ताकि दरवाजा खोल दूं मैं। तुम भी अजीब हो वैसे। तुम्हें तो उस रात अपने घर का ना पता भी नहीं मालूम था। कितना अच्छा पेश आया था मैं, तुम्हें तकलीफ होने दी? तुमने उससे भी बुरा किया, होटल ले गए मुझे। तो क्या करता, तुम्हें छोड़ के निकल जाता? हाँ, छोड़ कर चले जाते, कम से कम फायदा तो नहीं उठाते ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने कौन सा फायदा उठाया? मैं था जिसका फायदा उठाया गया। सब कुछ जो सहा मैंने सहा। सारी रात तुम्हारे साथ रहा, परेशान रहा, मुझे इल्जाम दे रही हो। लेकिन तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ भी। मैं ही जानता हूँ कैसे सारा वक्त गुजारा मैंने। हाँ तो मुझे याद करवाओ, क्या किया था? याद नहीं है मुझे। मेरी बात सुनो, मैं चाहता ही नहीं मैं वो सारा वक्त याद करूँ या तुम्हें वो याद करवाऊँ। मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ जानने के लिए? यानी वो रात मेरे लिए बहुत ही बुरी रात थी। सही हालत में नहीं थी मैं उस वक्त। क्या सच में? सच में? हाँ दे, वैसे जैसे ही तुम्हारी आँख खुली तुमने अपना सामान उठाया और वहाँ से भाग गई। कितनी घटिया हरकत है ये। देखो मेरी बात सुनो, इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम कुछ करो प्लीज, भगाओ इसे यहाँ से। कुछ ऐसा कहो जिससे इसे तसल्ली हो रही है, भाग जाए यहाँ से। खुदा के लिए कुछ तो करो, मैं यहाँ कहीं छुप जाऊंगा। भगाओ इसे। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। जी कहिए। हेलो असगर, यहाँ है क्या? क्या अंदर छुपा हुआ है? हाँ यही है। यानी वो आया था लेकिन भाग गया। आ जाओ। जैसे ही मैंने आवाज सुनी उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने। मुझे लगा उस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और माशाल्लाह खुद को तो देखो जरा, किस कदर हसीन हो तुम। उस इंसान के बहकावे में कैसे आ गई? ये कह लो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जैसी हसीन लड़की उसके प्यार में कैसे पागल हो सकती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, उस जैसे इंसान के बारे में कभी सोचती भी नहीं। वैसे भी वो यहाँ से मूव हो गया है। भगाओ, भगाओ, भगाओ इसे। और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है वो किस किस्म का आदमी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जलील होने के लिए आएगा वो। अगर आया तो बहुत बेइज्जती होगी उसकी। तो यही अच्छा होगा, उस इंसान को भूल जाओ। वो इंसान झूठा, मकार, धोखेबाज, जितना भी कह लो कम ही होगा उस आदमी के लिए।
भूल जाओ उसे। कहते तुम ठीक रही हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के काबिल नहीं है वो। उससे भी हैंडसम लड़के हैं, तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो चलो फिर, और ऐसे लोगों से दूर रहना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। स्किन केयर बहुत जरूरी होती है, बहुत अच्छा करी हो तुमने। चलो उठो उठो उठो, जल्दी करो, मुझे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या तुमने एल्बम पब्लिश कर दिया? नहीं, अभी तक नहीं किया। ठीक है, मत करना अभी, इंतजार करो। जी ठीक है। ठीक है मिस्टर परफेक्ट, तुम्हें मैं बताती हूँ कि परफेक्ट क्या होता है। इस मैगजीन में तो उस पर काफी तनकीद की गई है, जरा देखो तो। पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। हाँ कैसे हो भाई? हेलो। लो आ क्या? हेलो, क्या चल रहा है भाई? हमेशा की तरह कुछ भी नया नहीं, सब पुराना है। अच्छा तुम बताओ क्या पियोगे? लाइट चलेगा या स्ट्रॉन्ग लाऊं तुम्हारे लिए? तुम जानते हो मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक कहा तुमने। जोर का झटका धीरे से लगेगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? देख रहा हूँ आंखों ही आंखों में बातें चल रही है, हिचकिचाहट कैसी है? ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा इंटरव्यू पब्लिश हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, ये रहा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लिखेगी, लेकिन उसने मिस्टर परफेक्ट लिख दिया मेरे नाम के साथ। मिस्टर परफेक्ट, काफी परफेक्ट। मुझे यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है उसके लिए, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैंने सोचा कॉल करूंगा उसे, माफी मांगूंगा उससे, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन। नहीं मुझे नहीं लगता कि वो कोई गुस्सा होगी। अरे दिखाओ तो सही मुझे। हाँ देख। हाँ देख, कब्जा करके बैठ गए। मिस्टर रॉन्ग मतलब? क्या हरकत है ये, क्या मतलब हुआ इसका? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये क्या लिख दिया इसने, क्या मतलब है इन बातों? मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे पढ़ना पड़ेगा इसे। कामयाब बिजनेसमैन बदकिस्मती से अपनी जाती जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ना तो वो मोहब्बत पर यकीन रखता है और ना ही शादी में कोई दिलचस्पी है उसे। उसे लगता है कि जिंदगी में शादी की या औरत की उसे कोई जरूरत नहीं है, और वो चाहता है कि उसकी जो मर्जी है उसकी इज्जत की जाए। लेकिन तुम्हारी तस्वीर अच्छी लग रही है, मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने लेफ्ट साइड का ही पोस्ट देखकर तस्वीर खिंचवाते हो, क्या इस तरह तस्वीर खिंचवाना अच्छा लगता है तुम्हें? वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि क्या पीना चाहोगे, क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझ पर क्या आफत टूट पड़ी? अरे अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो आबरू ये हमारे साथ क्या हो गया। अब आराम से टेक लगाकर बैठिए। अरे आबरू बेटा क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्यों नहीं समझता ये लड़का? मैं अपने पोते पोतियों के बारे में सोच रही हूँ और ये लड़का मैगजीन्स और अखबारों में इंटरव्यू देता फिर रहा है, कह रहा है मुझे शादी पे यकीन नहीं, क्या करूँ मैं? ऊपर से तुम कहती हो कि मुझे उसकी वजह से इज्जत मिलती है, कोई इज्जत नहीं मिलती मुझे। मगर अम्मी आप भाई को तो जानती है ना, ऐसे ही जिंदगी पसंद है उन्हें। दरअसल इसमें मेरी ही गलती है, मैंने ही उसका नाम गलत रखा है। जाहिर है उसका नाम ही ऐसा रख दिया है कि वो आजादी से जो दिल चाहे करता रहे। अगर मैंने अपने बेटे का नाम अली या सलमान रखा होता तो वो कब का शादी कर चुका होता और मेरे दो तीन पोते पोतियाँ यहाँ मेरे साथ खेल रहे होते। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी जो भाभी है उनके कितने बच्चे हैं? तीन। तीन लड़के हैं उनके, कितने साल पहले शादी हुई थी? तीन साल पहले। तीन साल, और वो तुम्हारे भाई से कितना छोटा है? अरे देखो तुम्हारी भाभी की कॉल आ गई, हर किस्मत उठाना। ठीक है अम्मी नहीं उठा रही, मुझे साइलेंट कर देती हूं इसे।
मुझे मालूम है इसने ये सब देख लिया होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। अम्मी खुदा के वास्ते नहीं देखा होगा उन्होंने, कहाँ से देखेंगी वो। अरे बेटा वो क्यों नहीं देखेगी, हर वक्त तो वो इंटरनेट में लगी होती है, तुम्हारे भाई का नाम लिखती है और उसकी सारी खबरें निकाल लेती है। अरे फिर तो उसे सब कुछ मालूम हो गया होगा। आबरू देखो बेटा, अब ये बात हम दोनों को मिलकर ही संभालनी पड़ेगी। बात सुनो, ये बात तुम सबको बता दो, दोस्तों को, जानने वालों को, जिनको हम नहीं जानते उनको भी, हर किसी को बता दो कि अम्मी भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है और सब शादी पर आए। जाहिर है वो किसी को पसंद करेगा। आबरू देखो बेटा, मेरा नाम सालेहा है, मैं इन गर्मियों में भी तुम्हारे भाई की शादी कर दूंगी, मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सबको कॉल करो, सबको बता दो, हर एक को कॉल करना। कर दूंगी। भाई अब क्या होगा तुम्हारा, अब नहीं बच सकते। ये सरासर बेइज्जती है, ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है। हाँ थोड़ा अजीब तो है। थोड़ा अब रुको। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैगजीन देख लिया हुआ। सही कहा। हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ भाई, हमने मैगजीन में तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ लिया है। इतनी जल्दी? यकीन नहीं करो उस पे। देखो कोई सच्चाई नहीं है उसमें, छोड़ो उसे, मीडिया तो कुछ भी कह देता है, यकीन नहीं करो इन बातों पे। ठीक है ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात आके अम्मी को समझा सकते हैं, क्योंकि वो इसको लेके बहुत परेशान है, आपको यहाँ आना होगा, वो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद है, आपके इंटरव्यू ने उन्हें बहुत दुख पहुँचाया है, आप जानते तो हैं अम्मी को। जानता हूँ मैं। चलो ठीक है मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे नहीं लगता अगर आप उनसे बात कर भी लेंगे तो ये मामला इतनी आसानी से अब सुलझ नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो आपकी शादी करा के ही रहेंगी। और मुझसे कहा है कि तमाम जानने वालों और रिश्तेदारों को बता दो। क्या कह रही हो ये? कसम से भाई, मुझे लगता है तुम पे अब बुरा वक्त आ चुका है। ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। चलो ठीक है मैं रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है खुदा हाफिज। समझ तो गए होगे क्या हुआ, हमने इंटरव्यू पढ़ लिया है और उनका दिमाग घूम गया। समझ गया। थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है वो ये है कि अब वो किसी भी तरह से तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगी। आबरू की शादी में कुंवारी लड़कियों को दावत दी जा रही है। तो फिर मेरा मशवरा है कि तुम वहां शादी पर अकेले मत जाना। सही कह रहे हो। तो तुम उसे ले जाओ जो तुम्हारे घर आई थी, क्या ख्याल है? आंटी उसे देख लेंगी, यानी आंटी उससे मिलेंगी तो खुद ही कह देंगी कि कोई जरूरत नहीं शादी करने की। देखो ऐसा नहीं, जानते हो उन्हें मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बस एक पोता चाहिए, यानी पोते के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। हाँ समझ गया, ये तो मुश्किल होगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मैं जरा किचन देख लूं जाके। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए अम्मी जान। हद हो गई है इसकी, हमें ये सब खबरें दूसरों से क्यों मिलती हैं आखिर, बताओ मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी अम्मी, मैंने तो बस इसी वजह से घर छोड़ दिया क्योंकि आप ही तो नहीं चाहती थी कि मैं रहूं उसके साथ। तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? क्या आप घर की बात नहीं कर रही? कौन सा घर? मैं हर चीज ही गलत क्यों समझ रही हूँ, छोड़े अम्मी, भूल जाए भूल जाए। अरे लड़की मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रही हूँ, डॉक्टर है ना वो लड़का। मुझे तो बहुत खुशी हुई है इसकी। अच्छा बात सुनो। जानती हो मुझे सारी बातों का पता लग गया है बेटा, मैंने तो शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी को आखिरकार कोई अच्छा लड़का मिल ही गया, इतना खुश तो मैं कभी नहीं हुई। अम्मी जान जैसा आप कह रही हैं ऐसी बात नहीं है कोई। क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं? तुम दोनों तो वीकेंड पे मिल रहे हो ना? ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ एक तकरीब में मिलूंगी मैं उससे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, तुम देख लेना, जरूर ये लड़का तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा, याद रखना। पहले कभी मैंने किसी के लिए तुमसे ऐसा कहा है क्या? तो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है। क्या हुआ? नहीं भाई नजर नहीं आ रहा कि मैं मसरूफ हुआ। ये पीना।
क्या मसला ये? हद है, ये लोग कभी पिक नहीं करते। मेरे नहाते हुए पानी खत्म हो गया इसलिए बाहर आया। मैंने सोचा वॉल चेक करता हूँ बाहर जाके, शायद बंद कर दिया किसी ने। तुम्हारे यहाँ आ रहा है पानी? हाँ आ रहा है। तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती लेकिन मुझे कहीं जल्दी जाना है। हाँ काफी पढ़ लिया, रेडी हो चुकी हूँ। गुड लक, रिजल्ट का इंतजार करूंगा। मुतासर करने के चक्कर में सभी कुछ अपने हाथों से ही बर्बाद कर बैठी। जरूरत ही क्या थी उसे डिनर पर इनवाइट करने की? अगर इंतजार करती तो वो खुद ही पूछ लेता तुमसे। एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही कहा था उसने। जब तक कि मेरा रवैया लड़कों के साथ ऐसा ही रहेगा तो वो भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे मेरे साथ। यही वजह है कि आज जिंदगी में अकेली हूँ। अच्छा खासा समझा रहा था लेकिन मैं ही नजरअंदाज कर रही थी उसे। इतनी अहमक कैसे हो सकती हूँ? पता नहीं घर पर है भी या नहीं। क्या करूं मैं बताओ, हाँ कोई आइडिया है तो दो मुझे। आखिर कैसे करेंगे हम ये? इसकी ये वक्त आना दिखाने का नहीं है। हाँ, ये तरीके मुझे सीखने ही पड़ेंगे वरना नाकामी की वजह से कूद जाऊंगी एक दिन यहाँ से। पुरसकून हो जाओ। क्या तुम बोर हो गए घर पे सारा दिन? दिमाग काम नहीं करा क्या? हाँ क्या तुम ठीक हो ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से लग गया। आई एम सॉरी। हाँ मुझे थोड़ी अंदाजा था कि तुम आ जाओगी। दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं, उठ जा। चलो उठ जा। अगर याददाश्त चली जाती मेरी। जानबूझकर सर पर मारा है ना? अरे हजार बार माफी मांग चुका हूँ, मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम आ जाओगी वहाँ। पता नहीं कैसे अंदर आके घूम रही थी। मैं आ गया था तो इतनी बातें कर रही थी। बस ठीक है। वैसे आज का दिन ही इतना बुरा था तो और क्या उम्मीद की जा सकती थी। तो पढ़ाई का फायदा नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ था मुझे। शायद वो पसंद भी करता है। हाँ, हो सकता है, अगर तुमने उसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हो, उसका दिमाग नहीं खाया हो। अरे ये मत कहना मुझे, ये मत कहना कि तुमने पहल की कि उसे दोबारा मिलने के लिए कहा। खुदा के लिए ये मत कहना मुझे। सच बताओ क्या जासूसी कर रहे हो तुम मेरी? जरूरत ही नहीं इस चीज की मुझे। तुम्हें देखकर ही अंदाजा हो गया था जब तुम तैयार होकर जा रही थी घर से बाहर। तुम्हारे चेहरे से लग रहा था मुझे तुम खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो तुम कि कोई शख्स तुम्हें ना नहीं कर पाएगा। और अगर इस वक्त तुम यहाँ पर अकेली उदास होकर बैठी हुई हो तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जिसका हल होना चाहिए। जरूर तुम ही को मसला है ना जो ये सब होता है। और क्या कहूँ मैं? क्या कुछ देर पहले तुमने ये कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे मना नहीं कर सकेगा? नहीं जानती थी तुम अच्छी बातें भी कर सकते हो। देखो मैं जो भी कह रहा हूँ ना वो हकीकत है, मैं कुछ भी खुद से नहीं कह रहा हूँ। अब तुम समझ नहीं रही हो तो मैं क्या कहूँ बताओ। ठीक है, जो होना था वो माजी हो गया। याद है तुम मुझे आज कोई उसूल से खा रही थी? हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही अकलमंद बन रही थी। जो कुछ मैंने कहा था तुमसे तुमने सुना ही नहीं। सही कहा। हाँ। उस वक्त गलती हो गई और अब मुझे एहसास हो गया। क्या वो उसूल दोबारा बताओगे? यानी ये मसला इस तरह हल हो सकता है कि तुम दोनों को ही जरूरत हो एक दूसरे की, ताकि बाद में कोई धोखा ना मिले। अगर इस तरह की कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। Hey, क्या हेल्प कर दो कि मेरी? हाँ मैं जरूर हेल्प करूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी। अगर तुम एक दिन के लिए मेरी दोस्त बनोगे।
तुम्हारी दोस्त बनना है? हाँ, लेकिन फेक होगा ये, तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आसान सी बात है, क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें दोस्त बनने का दिखावा करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है? अरे अपनी मॉम के लिए, अपनी बहन की शादी पर जा रहा हूँ, इसलिए सब करना पड़ेगा। मैंने उसूल सीखने की क्या बात कर दी, तुम मुझसे ये मांग रहे हो? फजूल बोलना बंद करो, जो बातें मैं तुमसे करता हूँ ना वो बातें बेकार नहीं है, समझने की कोशिश करो जरा। तुम अपने ख्वाबों को पाना है तो मैं ही सीढ़ी हूँ तुम्हारी। वैसे भी हमें इतनी दूर नहीं जाना, सिर्फ 8 घंटे की बात है, हम रातों रात लौट कर आ जाएंगे, आसान है, खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। आज तक तुम जितने लड़कों से मिली हो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे देगा और दूसरे सेकंड में दिल से निकाल देगा तुम्हें। देखो उसके साथ अकेले वक्त गुजारने का हर किस्मत सोचना, ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं है, मुझे तुम्हारी दोस्त बिल्कुल नहीं बनना चाहती। यानी खुद पे भरोसा नहीं तुम्हें, है ना? पागल हो गए हो, खुद पर क्यों भरोसा नहीं होगा मुझे? डर रही हो इससे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? हाँ यही सोच रही हूँ। खुद को क्या किसी फिल्म का हीरो समझ रखा है तुमने? अल्लाह का शुक्र है, क्या कमी है, देखो जरा कोई कमी नजर आ रही है तुम्हें मुझमें? हाँ तुम इतने हैंडसम इंसान हो के खुद के लिए नकली दोस्त ढूंढ रहे हो। एक चीज मैं खुल के वाज़ह कर दूं पहले, मुझे कोई मसला नहीं है, हजारों लड़कियां हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मैं ऐसा कोई शौक पालना ही नहीं चाहता, और वैसे भी मैं मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारी तरह दोस्त के लिए, समझे? मरी जा रही हूँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस रात क्यों आई थी वहाँ मेरी मदद मांगने के लिए? तुमसे जरा सी मदद क्या मांगे तुम मौके का फायदा उठाने लगे हो, मौका परस्त। क्या तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रही हो, मुझे ऐसा समझ रही हो? अरे छोड़ो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, अगर तुम मान भी जाओ ना तब भी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं ऐसे नहीं, मैं मर जाऊंगी, गलती की जो तुम्हारे पास आ गई। अरे मेरी गलती थी, मैंने तुमसे मदद के लिए कह दिया। आखिर लड़के क्या वजह है कि दोस्ती नहीं करना चाहते तुमसे? अब बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। क्योंकि सब के सब तुम जैसे घटिया होते हैं। आराम से मुंह के बल गिरोगी पूल में। बदतमीज कहेगा। कहता है मैं मरी जा रही हूँ, मैं नहीं मरी जा रही, तुम मरते हो लड़कियों पर, घटिया इंसान। क्या हो गया इन्हें, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब खुल के बताना ही पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी है? हाँ बेटा, उठ गए तुम, गुड मॉर्निंग। तुम तो जान हो अपनी माँ की। मॉम मैं कॉल करने वाला था, अच्छा हो गया आपकी कॉल आ गई। असल में ऐसा है कि बहुत ही जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। बात सुनो मेरी, मुझसे ये हरगिज मत कहना कि तुम उस लड़की को नहीं ला रहे। जानते हो मुझे इस बात से कितना दुख पहुँचेगा, हर किसी को मालूम हो चुका है, हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी। खुशी के मारे मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी को लेके मैं कितनी फिक्रमंद हूँ। बेटा कैसी है वो लड़की, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, कम से कम उसकी एक तस्वीर ही भेज दो मुझे। मॉम मुझे माफ कीजिएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप ज्यादा नहीं बढ़ा रही हैं इस बात को। बेटा मैं इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेटा जब से तुमने ये बात मुझे बताई है मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ, बस ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं अपनी आंखों से तुम्हारी शादी देख लूं, वरना मुझे इस बात का बहुत दुख होगा। कैसी है वो लड़की? हाँ खूबसूरत है। अरे जब मेरे बेटे को पसंद है तो वो अच्छी ही होगी। नाम क्या है बेटा? क्या मिल लीजिएगा ना उससे जब मेरे साथ आएगी वो वहाँ। बेटा अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? नाम बता दो, देखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो बहुत बुरा होगा। अरे क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। एसगे नाम है, नाम है उसका एसगे। अरे बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है एसगे। पसंद आया मुझे। देखिए उस बारे में आपसे तफसील से बात करूंगा, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है, फ्री होकर बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है बेटा, ठीक है तुम अपना काम करो, एसगे को सलाम कहना मेरा। जी ठीक है मॉम, खुदा हाफिज। बहुत सोचने की बात, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल गई थी मैं। या नहीं तुम मेरी ऑफर कबूल कर रही हो, सही कह रहा हूँ ना? सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ढेर सारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे लिए, जो चाहो जिंदगी में तुम्हें वो मिले। वाकई में? हाँ मैं दिल से कह रहा हूँ, जरूर तुम्हें मिलेगा। मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें इतना भरोसा क्यों है खुद पर? देखो मैं उसूल बनाता हूँ, जानता हूँ मैं, एक आदमी जो होता है ज्यादा से ज्यादा तीसरी मुलाकात में फैसला कर लेता है, वो मामले को लटकाता नहीं है। और अगर कोई आदमी 3 महीनों तक तुमसे शादी नहीं करता है, ऐसे घूम फिर रहा है तुम्हारे साथ, तो किनारा कर लो उसे, अपनी जिंदगी गुजारो अपने तरीके से, छोड़ो उसे। तो 3 महीने? हाँ। तो 3 महीने में इसलिए मंगनी की उसने? अब मुझे समझ आया कि उसकी नीयत ही नहीं थी मुझसे शादी करने की। देखो अब तुम समझ रही हो ना, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ठीक है, देखो हमें वक्त जाया किए बगैर काम शुरू कर देना चाहिए,
समर्स के एंड में शादी कर रहा है ना वो, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले शादी मेरी हो जाए, समझ गए ना? इसीलिए तो आई हो यहाँ पर सुबह सुबह, मरी जा रही हो अभी तक दोस्तियों के लिए। चलो शुरू करते, ठीक है? करते हैं, करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो जो कुछ हो गया ना उस सबको रिसेट करना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझ रही हो ना? यानी जो पहला तासुर तुमने छोड़ा है उसे धोना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ओके, दिखाओ तस्वीर उसकी, डॉक्टर की तस्वीर दिखाओ जल्दी। ये वो? हाँ यही। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? अरे ये मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसानी से हाथ में आ जाएगा। अजीब सही है वैसे, क्या पसंद आया था? अजीब सा कह रहे हो उसे, पागल हो वाकई। ठीक है मान लेते हैं वो इतना हैंडसम नहीं है दिखने में, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ठीक अच्छी है। ठीक है, यानी तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा, दोनों की अच्छी गुजरेगी। अरे क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ, फजूल में मुंह बना रही हो मेरे सामने। तुम्हारे लुक्स 10 गुना ज्यादा अच्छी है उस आदमी से। जबरदस्त, अब की ना अच्छी बात तुमने, मैं बस यही चाहती हूँ मुझसे मुतासर हो जाए, मेरे सामने उसे कोई नजर ना आए, मेरे बारे में सोचे और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहे बस। अच्छा बस ना, अब तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही हो इस चीज से, रिश्ता बराबरी का होता है, तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। क्या मतलब है ये गायनेकोलॉजिस्ट है? ओए होए 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 होए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कोई गंदे मजाक करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर ज्यादा करीब है तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल है अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए, बहुत होगी तुम्हारी मस्तियाँ। ठीक है, दिमागी तौर पे तैयार हो जाओ, तुम्हें करना क्या है तुम सब जानती हो ना, तुम्हें नोट्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लिख के। नहीं तुम्हें सुन रही हूँ, कोई नोट्स की जरूरत नहीं। कोई शक तो नहीं तुम्हें? बताओ शुरू करें फिर। चलो कैसी लग रही हूँ मैं? मास्टर चाहती हूँ, वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है। क्या ठीक है, कुछ पूछा है तुमसे? अरे कितनी बार मैं बता चुका हूँ ना, एक ही चीज माने रखती है सबसे पहले कि दिख कैसी रही हो। बेकार बात कर रहे हो। पहला असूल क्या था? कि उसे लुक से पहली नजर में ही ढेर कर दोगी। तो तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा? ये ड्रेसिंग बहुत ही कैजुअल है। इन कपड़ों से लग रहा है कि तुम्हें कोई नहीं चाहिए, तुम बहुत बेजार चल रही हो अपनी जिंदगी में, बात समझ रही हो? अगर मैं भी देखूं पहली बार तो यही सोचूंगा कि ये लड़की अपनी जिंदगी में हर किसी से हर चीज से आजिज आ चुकी है। यानी अच्छा नहीं है ये, तो फिर क्या करना चाहिए? रुको मैं आ रहा हूं। काश की ड्रेस ही पहन लिया होता।